देखो इस वीडियो को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से लेना, कोई लॉन्ड वाला पांडा मेरे घर पर दलाली लेकर नहीं आना चाहिए। रोस्ट के अलावा ये वीडियो सिर्फ तुम्हें बताने के लिए कि पबजी के अंदर ज्यादा देर उंगली करना भी तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। देखो वीडियो शुरू करने से पहले बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से लेना, ऐसा ना हो कि कोई लौंडा पगला के मेरे घर पे बंदूक उठा के आता फिरे और मेरा चिकन डिनर करता फिरे। आज मैं एक ऐसी गेम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने उन लौंडों को भी गोलियां चलानी सिखा दी जिनकी सालों की भी बुद्धि भी ढंग से चलनी नहीं शुरू हुई है। इस गेम का नाम है पबजी। पबजी लोगों की गांड का वो कीड़ा है जिसे वो जितना मर्जी जोर से हगने की कोशिश करे साला बाहर आने को राजी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले तुम्हें पता ही होगा कि मिठाई की दुकान बंद हो चुकी है, तो हमारी इंडियन मीडिया को कोरोना के टाइम पे चुल मच रखी थी, इन्हें फन करना था तो इन्होंने ये न्यूज भी चला दी। बहुत बड़ा कदम है क्योंकि लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चाइनीज ऐप को शायद नजरअंदाज करना भारत के लिए बेहद मुश्किल होगा, और मैं भी इंसान हूँ, मेरी बुद्धि पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में चलती फिर रही थी कि मैंने न्यूज व्हाट्सएप पे डाल दी। बाय गॉड बता रहा हूँ कि इतने मुझे हैप्पी बर्थडे के आज तक मैसेज नहीं है जितने मुझे उस दिन में आ गए, और मुझे सच में फीलिंग आ रही थी कि अगर पबजी सच में बैन हो जाती ना तो ये लौंडे यही हरकते करते फिरते। इस गेम ने ना आधे लौंडों का धर्म भ्रष्ट कर दिया है। साले जिन्होंने आज तक कभी चिकन सूंघा भी नहीं होगा ना चिकन डिनर की डंडा देते फिर रहे हैं, और पता नहीं साले कौन सी झाड़ियों में स्किन और एम्यूनेशन ढूंढते फिर रहे हैं। बेटा इतनी पढ़ाई अगर तुमने अपने पेपरों में करी होती ना तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ये नहीं बोलते फिरते। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और कुछ लौंडे ऐसे भी है जो 12-15 घंटे इस गेम की गांड में उंगली देते फिर रहे हैं। इनको घंटा ज्ञात नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, और 12 से 15 घंटे खेलने के बाद इनका ये हाल होता फिर रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा ये बच्चा ऑनलाइन गेम का शिकार हो चुका है। पबजी किसी खलनायक की तरह इसके दिमाग पर असर डाल रहा था। लौंडे साले मार काट के कंसेप्ट को इतना सीरियसली ले गए कि साले घर पे करते फिर रहे हैं ये। नगवीर इस कदर बौखला गया कि उसने दराती उठाई और पिता का ही सर घर से अलग कर दिया। आज मुझे सच में रियलाइज होता कि हमारे माँ बाप ने बहुत सही किया जो 10 साल की उम्र में हमें स्मार्टफोन ही लेके दिया। अभी तुमने रिसेंटली ना पबजी के रिलेटेड दो न्यूज सुनी होंगी जिनमें से एक तो ये है। 13 साल के नौजवान नु भिणक नहीं सी कि जो पबजी वो शौक नाल खेडदा है एक दिन ओही उहनां नु कंगाल कर देवेगी। यह बच्चा लगातार वर्चुअल हथियार खरीदा रहा पर उसनू नहीं पता सी कि यह डिजिटल वर्चुअल हथियार उसनू 16 लाख दे पै जाएंगे। आजकल के कपल भी ना अपनी जिंदगी वर्चुअल सेक्स में बिता रहे हैं, पर ये लौंडा वर्चुअल जिंदगी की चीजें रियल में मंगवाता फिर रहा है। पता नहीं साला कौन सी एम्यूनेशन मंगवा के टाइगर जिंदा बनता फिर रहा था, और यहाँ तक कि इस लौंडे ने ये तक कर दिया हुआ है। मेरे वाले दोस्तों को ना 10 रुपए खर्चने में भी मौत आती है मेरे पे। इसके बाप ने भी अब सोचा होगा कि बाय गॉड उस रात को नींद की गोली खा के सो जाता तो आज 16 लाख रुपए बच जाते। और इसके बाद न्यूज आती है ये। इन सालों से टिकटॉक भी बैन नहीं हुआ पर इन्होंने ये कर दिया, लेकिन उसके बाद जब इनके लौंडों के मैंने कमेंट देखे ना वो देखो जरा तुम। क्या नुकसान होगा पबजी के बंद होने से? काम नहीं मिलेंगे, टेक्सटाइल बंद हो जाएंगी। अंकल जिस तरह की तुम्हारी हालत है ना काम तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलना, लेकिन एक सेकेंड पबजी ने कौन सा काम दिया था बे? जी बंद होगी तो क्या होगा? कैमरा आ गए भाई, मारो मुझे मारो मारो। पबजी अगर ना खुली तो क्या होगा? देखे मजदूर भूखे मरेंगे, मुल्क गरीब हो जाएगा। हाँ बहनचोद पबजी से तो तुम्हारी करोड़ों की कमाइयां चलती फिर रही थी ना। पाबंदी लगा दें, लाशें बिछा देंगे। ये बहनचोद लाशें बिछाएगा। बेटा तेरे एक पड़ी ना 10 दिन तक तेरी यादाश्त न वापस आए। देखो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अब जो जनरेशन तुम्हारी आ चुकी है इनका तुम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन को तुम सुधार सकते हो। तो अपने घर वालों को, अपने आइट साइड जो लोग हैं उनको ये सलाह दे सकते हो कि कभी कभी जिंदगी में रात को जल्दी सोना ही अच्छा है, और अगर नहीं सोना तो सुरक्षा यंत्र का प्रयोग करो ताकि तुम्हारे 16 लाख रुपए बच सके। और पबजी के बंदूकियों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बेटा गेम को गेम की तरह खेलो, 8-10 घंटे उसके अंदर उंगली मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार का दिमाग खिसके और टिकटॉक की तरह पबजी भी। काम जरा कठिन है तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है।
तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। और अगर ऐसे 16 लाख बचाने वाले तुम्हें और आइडियाज चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं ऐसे आइडियाज देता रहूंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, मेरी वीडियो आज की हो चुकी है खत्म, टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओ भूतनी के साले बनकर पबजी, नहीं तो तैं भी 16 लाख उड़ा दिए हमारे।